क्या आप भी ब्रेकअप जैसी बीमारी के शिकार हैं? क्या आप भी सेल्फ एडिक्ट हैं? आपको भी अच्छे दोस्त नहीं मिलते? तो ये वीडियो जरूर देखें और हमारा चैनल टीचिंग हाउस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस उम्र में हम बड़े इनसिक्योर होते हैं अपनी बॉडी को लेकर, माइंड को लेकर। सबको ये टेंशन जरूर होती है, मैं दूसरे लोगों से थोड़ा कम हूँ किसी चीज़ में, शायद पिंपल्स की वजह से, हाइट की वजह से, वेट की वजह से। आपको खुद लगेगा मैं इन दूसरे इंसानों से इन्फीरियर हूँ। ये एक गलत सोच है। हर इंसान किसी न किसी खूबी के साथ पैदा होता है, खुद के टैलेंट के साथ, खुद के यूनिकनेस के साथ, खुद की ओरिजिनलिटी के साथ। आप ओरिजिनल हो मेरे दोस्त, ये ज़रूर याद रखिए। आप अपने बुरे फैक्टर्स को खुद दिमाग में इतना याद करते हो कि कुछ और याद ही नहीं रहता। खुद को मोटिवेट करो, खुद में अच्छाई देखो और फिर बुराई भी खुद ही निकल जाएगी। इस उम्र में ब्रेकअप फेलियर की वजह से कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन ये भी देखें, इस एज में आप हार्ट फेलियर के बारे में सीख रहे होते हैं। बुरे मार्क्स आए तो इतना भी बुरा नहीं फील होना चाहिए, पर हाँ इस पर फोकस करके इसे इम्प्रूव तो ज़रूर करना चाहिए। मगर ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, होते रहेंगे। बैड मार्क्स, फेलियर, फायर फ्रॉम जॉब, सब नॉर्मल, सब बुरी चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए टीनेज में कोई बुरी चीज़ होगी तो दुख न रखिएगा, बल्कि माइंड बनाकर सीखिएगा। आगे चलकर बड़ी आसानियाँ होंगी। इस मोमेंट को कबूल करो, वो आपको सिखाएगा। इस उम्र में हम सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, ये इमेजिनेशन कि वो दुनिया है जो अगर एक बार खुल गई तो फिर आप इसके ग़ुलाम बन जाते हो। देखो आपकी खुशी कहाँ से आनी चाहिए, दिमाग से, आपके माइंडसेट से। लेकिन अगर आप सेल्फ डिस्कवरी के एडिक्ट होंगे तो फिर आपकी खुशी सिर्फ इसी में रह जाएगी। और अगर आप ऐसे हो भी गए तो घबराए नहीं, नो फैब ज़रूर ट्राई करें। रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। इस उम्र में हम अच्छी सोबत को नहीं पहचान सकते, हमें ये मालूम ही नहीं होता हमारा दोस्त कौन है और कौन होना चाहिए। दोस्ती के नाम पर मर मिटने वाले ही सिर्फ दोस्त नहीं होते, ये भी भला कोई बात है? लड़ने और मरने के लिए दोस्त अवेलेबल हों, और बजाय मना करने के सिगरेट से स्टार्ट करने वाले फिर नशों की हालत में धुतकार कर जाते हैं। आपके टीनेज दोस्त हमेशा आपकी मेमोरीज में होते हैं, इसलिए खुद की मेमोरीज ऐसी बनाओ कि कल को पछतावा ना हो। अगर आपके आसपास को नेगेटिव बंदा कोई भी है, उसे फौरन कट ऑफ कर दीजिए। अगर इस उम्र में नेगेटिविटी की वजह से आपका आगे बढ़ने का स्पार्क ख़त्म हो गया तो आप पूरी ज़िंदगी नाकामी के साथ जिएंगे। इसलिए अपने गोल्स किसी को ना बताएं, क्या मालूम हसरत भरी निगाहें आपको नुकसान दे दें। ज़िंदगी में उम्र का वो हिस्सा जिसमें हम पूरे स्पार्क के साथ होते हैं। जुनून ऐसा होता है जिस चीज़ पे बंदा हाथ डाले इंतहा की हद तक आसानी से जा सकता है। इसीलिए तो वालदैन हमें हर चीज़ से रोकते और टोकते हैं। ये जुनून, ये एनर्जी हमें बिल्कुल मालूम नहीं होती हमें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी होती है। चूँकि इल्म होता नहीं, बस जो सामने नज़र आता है वही सब कुछ होता है। मगर ये एनर्जी, ये स्पार्क कभी सही और कभी गलत सिंक में धकेल लेता है। जैसे हमें ऐसा महसूस होता है हम में किसी चीज़ की कमी है, हम इन्फीरियर हैं। शायद मेरे पास गाड़ी नहीं, शायद मुझे वेस्टर्न कल्चर के तौर तरीके मालूम नहीं, शायद मैं क्लास में उस्ताद से अदब से पेश आता हूँ जिसकी वजह से मेरे दोस्त हंसते हैं, शायद मुझे सेल्फ एडिक्शन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें इस उम्र में तबाह कर देती हैं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज़ सही नहीं होती, हम गलत चीज़ को भी सही मानने लगते हैं और तालीम सीखना तो जैसे बेइज्जती समझते हैं। क्या कभी गौर किया है, हर वो उस्ताद आपको ज़रूरत से ज़्यादा सिखाता है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ उस्ताद पढ़ाते हैं और कुछ उस्ताद जैसे हमें बदल कर चले जाते हैं। आपका हर उस्ताद ऐसा क्यों नहीं होता? तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर सच जवाब दें। जब भी आपकी क्लास में कोई न्यू टीचर आया तो बताएं आपकी नीयत क्या होती है, क्या हाल करते हैं आप, आपका क्रिटिसाइज किन चीज़ों पर होता है। शायद आपको खुद जवाब मिल गया होगा। मेरा काम आपको एहसास दिलाना है
आप भी कभी ऐसा सोचें कि हर उस्ताद ऐसा हो तो ज़रूर आपको हर उस्ताद काबिल नज़र आएगा। टीनेज लाइफ का ऐसा वक्त होता है जहां हम ज़्यादा गलतियां करते हैं। मेरा मानना है कि होशियार वो है जो गलतियां करने की बजाय दूसरों की गलतियों से सीखे। इस उम्र में हम बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी कर रहे होते हैं, बुरे मार्क्स, एग्ज़ाम की टेंशन, या शायद मेरी हाइट छोटी है, या शायद मैं गोरा नहीं हूँ, मेरे पिंपल्स ज़्यादा हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें इरिटेट करती हैं, और फिर सबसे बड़ा काम हम इस उम्र में दिल दे बैठते हैं, जैसे मोहब्बत ही सब कुछ हो। कमाल की बात यह कि इस उम्र में बहुत सारे लोग आपको टेम्प्ररी मिलेंगे, और आपको खुद इसे बैलेंस करना होगा। खुद को किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होने देना। किसी को इतना दिल ही ना दो कि आपकी खुशी भी उन पर डिपेंडेंट हो जाए। खुद का मैार बनाओ। दूसरों को खुद पर हंसाने के बजाय खुद अपनी आदत पर हंसो। लेकिन याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह जानता है। टीचिंग हाउस की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।